हाय फ्रेंड्स, आज हम मटके में कुछ कंपोस्ट बनाना सीखेंगे। ये मेरे पास कुछ ये सूखे फ्लावर हैं मेरे गार्डन के, देख सकते हैं बहुत सारे हो चुके हैं। ये मैंने इनको सारे ड्राई कर हो जाते हैं तो मैं इनको तोड़ के रख देती हूँ अलग से। इनकी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी रिच, बहुत ही अच्छी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर, बहुत अच्छी खाद बनती है, तो इसको आप ज़रूर बनाएं। इसको मैं सिंपल ऐसे मटके में बनाती हूँ। मैंने एक बड़ा सा मटका ले लिया है, खाली हो गया था जो, तो मैंने इसमें सबसे पहले ये गत्ते के टुकड़े, जो कि कार्बन के बहुत अच्छे स्रोत रहता है, इससे हमारे प्लांट को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, ये बहुत हेल्प होती है इसे कंपोस्ट बनाने में। तो सबसे पहले हमें ये नीचे ये हमें टुकड़े डालना है इसके कार्डबोर्ड के, देख सकते हैं ये छोटे छोटे पीस करके आप ऐसे इसमें डाल दीजिए। एक लेयर हमें इसकी भरनी है, करीब एक दो इंच से हमें इस लेयर तैयार करनी है कार्डबोर्ड से, जो कि मैंने पहले से ही तैयार करके रखे थे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़े करके। फिर हमें इसमें ये थोड़ी सी सूखी पत्तियां अपने गार्डन की डालनी है, सूखी पत्तियाँ फिर डालनी है। देखिए बहुत ही अच्छी खाद बनती है इससे, मैं तो अपने सारे प्लांट में यही खाद इस्तेमाल करती हूँ, कोई बाहर की खाद नहीं डालती इसमें। और ज़्यादातर मैं अपने गमलों में किचन वेस्ट या ये प्लांट का जो सूखी पत्तियाँ लकड़ी वगैरह जो भी निकलती है, मैं सारे अपने गमलों में नीचे भर देती हूँ और ऊपर से बस प्लांट लगा देती हूँ। बस एक लेयर, देखिए एक लेयर ये तैयार हो गई है। तो अब हमें ये अपना सूखा फ्लावर्स में डालना है, ये थोड़ी सी मिट्टी पहले डालते हैं अपने गार्डन की, जो मिट्टी रहती है मेरे पुराने गमले की मिट्टी है, तो ये थोड़ी सी इसे डालना है। फिर हमें ये सूखे फ्लावर इसमें डालना है, ये 3 से 4 महीने में बहुत अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी, बहुत ही अच्छी खाद तैयार हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, और अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ये नीचे अपने गमलों में नीचे भर दीजिए और ऊपर से कोई भी प्लांट लगा दीजिए, जैसे कि मैं लगाती हूँ। मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी चलते हैं, कोई फंगस नहीं, कोई रोग नहीं, बस बहुत अच्छे चलते हैं और ना कभी सूखते ना मरते हैं, बहुत अच्छे से हरे हरे रहते हैं। ये मेरे गुलदाउदी के देखिए कितने सारे फ्लावर मैंने सारे तोड़ के ऐसे रख दिए हैं, और ये कुछ माला फूल माला है, ये सब मैं इसी में डाल दूंगी, इससे बहुत ही अच्छी खाद बन के तैयार हो जाएगी। मैं तो सारे ऐसे ही डाल देती हूँ, आप भी ज़रूर बनाइए, इससे हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन और हर मात्रा प्रोटीन सब मिल जाएगा, सब अवेलेबल है इसमें, तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छे से बन जाती है ये, ना कोई बदबू आती है इसमें ना कुछ, बहुत ही अच्छी खाद बनती है। और इवन किचन वेस्ट से भी बनाइए, किचन वेस्ट से भी मैं बना के तैयार रखती हूँ हमेशा, मैं अपने गार्डन में यही सब यूज़ करती हूँ, और तो आप ज़रूर बनाइए। ये मेरे पूजा के जो रोज़ के फूल वगैरह रहते हैं फूल, तो मैं सब ऐसे ही रखती जाती हूँ, बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं इनको कंपोस्ट बना लेती हूँ। और इसका लिक्विड कंपोस्ट भी बनाइए, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी फ्लावर का, बाल्टी में, एक बाल्टी में 10 लीटर की बाल्टी में फ्लावर को आप रख दीजिए भिगो के, और उसको 15 दिन में आप वो वाला पानी लिक्विड यूज़ कीजिए अपने प्लांट पर, फिर देखिए उसका असर कितना अच्छा होता है आपके प्लांट पर। तो आप ज़रूर ऐसे लिक्विड बनाइए या फिर ये ड्राई बनाइए, तो आपको बाहर की कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी ये बनती है। देखिए तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर बनाइए, और इसके ऊपर थोड़ा ये मिट्टी की एक लेयर डाल दीजिए और थोड़ा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए, बस कुछ दिनों में ये दब जाएगा, जब तक थोड़ा और फ्लावर तैयार हो जाएंगे सूखे, तो आप वहाँ से लेके और इसमें डाल दीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने गार्डन का काम करती रहती हूँ यहाँ, इसलिए यहाँ पे ये सब कचड़ा सा दिख रहा है आपको, मिट्टी वगैरह। ये मैंने कुछ गुलदाउदी के प्लांट खाली किए हुए थे, उसी की मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, और ये
बूट वगैरह के ये सारे छिलके वगैरह सब मैं ही अब यहीं रखती जाती हूँ, बाकी फिर बाद में कंपोस्ट वगैरह बना लेती हूँ। आप भी ज़रूर बनाइए। और इसमें थोड़ा पानी पानी डालना मत भूलिए, क्योंकि ये ड्राई रहेगा इसलिए इसको पानी चाहिए पड़ेगा। माइक्रोब्स तभी इसमें माइक्रोब्स बनेंगे, तभी ये खाद जल्दी से बनेगी। और बस इसको ढक के किसी समय से डेरिया में रख दीजिए। मैं तो अपने छत पे ही रखी रहती हूँ, तो आप भी बनाइए और समय से डेरिया में ढक के रख दीजिए, ताकि इसमें कोई मक्खी मच्छर ना जाए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप भी अपने किचन वेस्ट और ये प्लांट के वेस्ट से जो भी निकले उससे खाद जरूर बनाइए। एनवायरनमेंट को भी साफ़ रखिए और अपने प्लांट को भी हेल्दी रखिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।